सदनों लोकसभा और राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल यानी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हो चुका है। बीजेपी मुख्यालय पर प्रधानमंत्री का महिला कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। देखिए खास महिला आरक्षण विधेयक के दोनों सदनों से पास होने के बाद सभी ओर खुशी का माहौल है। इस बिल के पास होना महिलाओं को देश की लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण मिलने की ओर एक बड़ा कदम है। इसी कड़ी में पीएम मोदी भाजपा मुख्यालय पहुंचे, जहां भाजपा की महिला सांसदों व कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य तरीके से स्वागत किया। दफ्तर पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाकर पीएम मोदी का स्वागत किया। मोदी सरकार का महिला सशक्तिकरण पर बड़ा कदम, नारी शक्ति का वंदन, पीएम मोदी का अभिनंदन, महिला आरक्षण बिल को लेकर जश्न का माहौल, बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी का भव्य स्वागत, पीएम ने पांव छूकर महिलाओं का लिया आशीर्वाद, मुख्यालय पर भव्य स्वागत से अभिभूत हुए पीएम। पीएम मोदी ने कहा, माताओं बहनों के सपनों को पूरा करने का सौभाग्य हमारी भाजपा सरकार को मिला है, इसलिए राष्ट्र को सर्वप्रथम मानने वाली पार्टी के रूप में, भाजपा कार्यकर्ता के रूप में, एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में ये हमारे लिए गर्व का विषय है। इस दौरान पार्टी कार्यालय पर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। माताओं बहनों बेटियों के सामने आने वाली हर अड़चन को दूर कर रहा है। इसी सोच के साथ बीते 9 वर्षों में हमने माताओं बहनों से जुड़ी हर बंदिशों को तोड़ने का प्रयास किया, जिससे हमारी बहनों को सम्मान, सुविधा, सुरक्षा और समृद्धि का जीवन मिले। क्या हम पुरुषों को इतना अहंकार आ जाए, हमारी राजनीतिक विचारधाराओं को इतना अहंकार आ जाए कि हम नारी शक्ति की वंदना शब्द का प्रयोग करें तो भी किसी के पेट में चूहे दौड़ने लग जाए। पीएम मोदी के स्वागत के लिए भाजपा की महिला कार्यकर्ताएं पार्टी मुख्यालय पर पहले से ही मौजूद थी। महिला आरक्षण बिल पास होने की खुशी में कार्यकर्ता जश्न मना रही थी। एक महिला कार्यकर्ता ने कहा कि 27 सालों से इस बिल का इंतजार हो रहा था, एक ऐतिहासिक दौर शुरू हो गया है, ये महिलाओं के लिए एक खास दिन है। पहले तो मैं एक ही नारा दूंगी कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी है सब कुछ मुमकिन होगा। और महिलाओं के लिए मोदी जी ने सोचा, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मोदी जी ने महिलाओं के लिए इतना सोचा। राजनीति में भी 33% देना बहुत बड़ा उपलब्धि है और ये आम जन के लिए विश्वास बढ़ाता है कि मोदी जी महिलाओं के लिए कितना सोचते हैं। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हो चुका है। हर तरफ जश्न का माहौल है। अब देखना ये होगा कि चुनाव से ठीक पहले महिला आरक्षण बिल पास होने से 2024 के चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। छेड़ोगे तो छोड़े नहीं जाओगे। एक चौराहे पर अगर अपराधी किसी के साथ बुरा बर्ताव करते हैं तो अगले चौराहे पर वो अपने लिए भी